Hey guys, what's up? मेरा नाम है संजीव कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्री क्लास। तो क्लास फर्स्ट जिसमें आज मेरा टॉपिक है सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, देखते हैं अगली स्लाइड। इसमें मैं बात करूँगा फार्मर्स कैटेगरी की। ठीक है, फार्मर्स की जो कैटेगरी हैं या फिर की ज़मीन के हिसाब से फार्मर्स को किन किन कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में पांच कैटेगरी हैं जिसमें फार्मर्स को बांटा गया है उनकी एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से। ठीक है, और वो फार्मर्स जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम ज़मीन उपलब्ध होती है वो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। वो किसान जिनके पास एक हेक्टेयर से लेकर दो हेक्टेयर तक एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल होता है वो स्मॉल फार्मर्स कहलाते हैं। थर्ड वन इज वो फार्मर्स जिनके पास दो हेक्टेयर से लेकर चार हेक्टेयर तक एग्रीकल्चर लैंड होती है वो सेमी मीडियम फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब फोर्थ वन इज वो फार्मर्स जिनके पास चार हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक एग्रीकल्चर लैंड होती है वो मीडियम फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ वन इज वो किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है वो लार्ज फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। हियर इम्पोर्टेंट इज टू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको पूरा रीड कर लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ हम बात करते हैं क्रॉप सीजन इन इंडिया। ठीक है, वी ऑल नो दैट कि इंडिया में मेनली थ्री टाइप्स के सीजन्स होते हैं जैसे खरीफ, रबी एंड जायद। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज खरीफ। ओके, खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? ये वो क्रॉप्स होती हैं जो साउथ वेस्ट मानसून के आने के साथ बोई जाती हैं और हार्वेस्टेड तब होती हैं जब साउथ वेस्ट मानसून ख़त्म होने वाला। ठीक है, इसका स्विंग टाइम जो होता है वो मई से जुलाई तक होता है। हार्वेस्टिंग सीज़न जो होते हैं वो सितंबर से अक्टूबर होता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वार, बाजरा, राइस, ग्राउंड नट, जूट, हेम्प, सुगर केन, टोबैको। 21 सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स नीड रिलेटिवली कूल क्लाइमेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ बट वार्म क्लाइमेट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ डियर सीड एंड मैचुरेशन। मीन्स क्रॉप्स को ग्रोथ के लिए कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन उसके जर्मिनेशन और मैचुरेशन के लिए वार्म क्लाइमेट भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके, इसका सोइंग सीज़न जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर। हार्वेस्टिंग सीज़न यानी कि जो फसल की कटाई होती है फरवरी से अप्रैल तक होती है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीट, वाले, गाम, लिंसी, मस्टर्ड, मशहूर एंड पोटैटो। थर्ड वन इज
जायद क्रॉप्स क्या होती हैं? खरीफ और रबी क्रॉप्स के बाद कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल इरिगेशन के द्वारा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, जैसे और जिसका स्वयं सीजन जो होता है वो अगस्त से सितंबर, हार्वेस्टिंग सीजन दिसंबर टू जनवरी। ओके, क्रॉप्स जो होती हैं फॉर एग्जांपल राइस, ज्वार, रैप सीड, कॉटन, ऑयल सीड एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हैं आज के कुछ एमसीक्यूज जो रिलेटेड हैं हमारे आज के डिस्कशन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉल कैटेगरी साइज ऑफ फार्मर्स? जो स्मॉल कैटेगरीज के फार्मर्स होते हैं उनके पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड है? तो इसका आंसर है यस, सी, सी इज़ द राइट आंसर। आईसीआर डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 16 जुलाई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, नाबार्ड फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है ए। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, स्विंग सीजन ऑफ रवि क्रॉप्स, रवि क्रॉप्स कब बोई जाते? तो इसका सही आंसर है बी, अक्टूबर टू दिसंबर। नेक्स्ट, 5-1 इज विच इज नॉट खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, डी इज नॉट खरीफ क्रॉप। ओके, ये रहे आज के आंसर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो ये था छोटा सा डेमो क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और आप अगर व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं जिससे आपको लेक्चर्स के पीडीएफ मिल सके तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज एग्री लिखकर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और नाम तो आप मेरा जानते हैं, संजीव कुमार। अब आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्या अगर आपको लगता है कि कुछ भी अगर कहीं भी मुझसे बाई मिस्टेक जो गड़बड़ हुआ हो या फिर क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे, तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।